जय हिंद दोस्तों, अनिल सर आई टी यूट्यूब से बहुत बहुत स्वागत है। NMDC नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से ITI डिप्लोमा ग्रेजुएट और 12th पास आउट कैंडिडेट के लिए अप्रेंटिसशिप निकल कर आ चुके हैं दोस्तों, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर लिए और अनिल सर आई टी वेबसाइट पर या करियर ऑप्शन पर तो ITI संबंधित जो भी वैकेंसी आती है, अप्रेंटिसशिप हो, मेरिट लिस्ट हो, रिजल्ट हो, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है दोस्तों। आप देखिए तो लेटेस्ट अप्रेंटिसशिप में नया अप्रेंटिसशिप आपको इधर देखने को मिलेगा। NMDC अप्रेंटिसशिप इधर देखिए तो एयरफोर्स है, इधर HCL का है, भेल का है, एयरफोर्स के एक और अप्रेंटिसशिप है, इधर देखिए तो रेलवे का अप्रेंटिसशिप, इधर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। ठीक है, सभी देख लीजिएगा, जिसके लिए आप एलिजिबल होंगे उसका फॉर्म को अप्लाई करिए। फिलहाल अभी हम बात करेंगे NMDC अप्रेंटिसशिप के बारे में दोस्तों। ठीक है, इसको देख लीजिए, इस और आपके कोई दोस्त वोस्त है जो 12th पास आउट है, जो डिप्लोमा किए हैं, ग्रेजुएट किए हैं, उनको भी ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इसकी जानकारी हो सके दोस्तों। ठीक है, ये NMDC का जो अप्रेंटिसशिप है ये मध्य प्रदेश से निकाला गया है। मध्य प्रदेश में डायमंड माइनिंग प्रोजेक्ट है पन्ना में, वहां से अप्रेंटिसशिप निकल गया है दोस्तों। फॉर्म भरने का कोई फीस नहीं है, फॉर्म ऑनलाइन और इसको ऑफलाइन पोस्ट के माध्यम से भेजना होगा दोस्तों। ठीक है, ये NMDC में ITI जो पास आउट कैंडिडेट है वो देखिए कौन कौन से ट्रेड है जो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो कोपा है, ड्रॉटमैन, सिविल, इलेक्ट्रीशियन, फीटर, मशीनिस्ट, मैकेनिक, डीजल और वेल्डर जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ITI के NCVT और SCVT जो ट्रेड है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, NMDC का जो 12th पास आउट है वो 12th पास आउट देखिए दो के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक लैब टेक्नीशियन पैथोलॉजी और एक रेडियोलॉजी के लिए। ठीक है, रेडियोलॉजी के लिए है। और अब देखिए कौन कौन से ITI मतलब 12th पास आउट है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से है, वही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए NMDC डिप्लोमा ग्रेजुएट जो है, यहाँ पे देखिए डिप्लोमा माइनिंग में देखिए तो डिप्लोमा ग्रेजुएट माइनिंग में पास आउट चाहिए, मैकेनिकल में डिग्री में मैकेनिकल चाहिए, इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल चाहिए, सिविल डिप्लोमा सिविल है, डिप्लोमा इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक है, डिप्लोमा में मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट वाले फॉर्म आपको अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे एज की बात करें तो 18 से 30 साल आपका होना चाहिए, एज 18 से 30 साल के बीच में। ठीक है, यहाँ पर आएगा तो आपको अप्लाई करने का लिंक मिलेगा और यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर नोटिफिकेशन मिलेगा, तो नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं। आपको नोटिफिकेशन पूरी अच्छा नहीं दिखाई देगा तो इसके लिए परेशान मत हो, क्योंकि एक फ़ोटो है और फोटो साफ आया नहीं है, जैसा आया उसके आधार पर आपको बताने वाला है। ठीक है, इसको देखिएगा तो आपको पूरी जानकारी भी मिलेगी। फॉर्म देखिए, फॉर्म आप ऑनलाइन जो है अप्रेंटिसशिप इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट से भर पाएंगे। इस्टेब्लिशमेंट सर्च में जाइए तो NMDC डायमंड माइनिंग प्रोजेक्ट पे क्लिक करिए यहाँ पे, तो आपको फॉर्म आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन हम फॉर्म भर के आपको दिखाएंगे, कोशिश करेंगे आपको इसको इसी वीडियो में आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो 30 दिसंबर 2022 जो लास्ट डेट है, 30 दिसंबर इसी साल मतलब 31 तारीख तक फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, और साथ ही फॉर्म भर करके 31 दिसंबर तक वहाँ पर ऑफिस में जमा करा सकते हैं, भेज सकते हैं। ठीक है, पते पर भेज सकते हैं, दिए गए पते पर आपको इतना तक भेज देना है। और जो NATS पोर्टल है, जो डिप्लोमा ग्रेजुएट वाले हैं वो NATS पोर्टल है, MHRD NATS बोलते हैं, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा MHRD NATS.gov.in, तो वहाँ पर जाकर के आप इस पे जाइएगा NMDC डायमंड माइनिंग प्रोजेक्ट, वहाँ पे आप दिखाई देगा लिंक, वहाँ पे जाकर के आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, इसका फॉर्म तो भरिएगा, फॉर्म भरने का जो सिलेक्शन होगा वो रिटर्न एग्जाम के आधार पर होने वाला दोस्तों। रिटर्न एग्जाम 15 जनवरी 2023 को संडे पड़ रहा है, उसी दिन DAV पब्लिक स्कूल मझगावा में आपको यहाँ पे इसका रिटर्न एग्जाम होगा दोस्तों। ठीक है, 10 बजे से, तो आपको इसकी जानकारी होगी। ठीक है, जैसे कोई जानकारी होगी आपको अपडेट भी करते रहेंगे। आप टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। ठीक है, बताइए टेलीग्राम चैनल पर जो भी अपडेट दें आपको वहाँ पर भी जानकारी मिल जाए। फिलहाल आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए और आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो आप भी टेलीग्राम चैनल पर आप भेज सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ट्रेड टेस्ट की बात करें, ट्रेड टेस्ट 17 जनवरी को होगा, ट्रेड टेस्ट के आधार पर भी यहाँ पर सलेक्शन होगा, जिससे आपका जो ट्रेड है उसी के आधार पर यहाँ पर सलेक्शन होगा। और ट्रेड टेस्ट आपका मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट देखिए इसी में होगा, मंगलवार को। और यहाँ पर देखिए 18 जनवरी को इन सभी ट्रेड का होने वाला है, संबंध में ITI से सभी जो यहाँ पे ट्रेड दिया है, जैसे कोपा, इलेक्ट्रीशियन, मेडिकल लैब टेक्नीशियन, पैथोलॉजी, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, इतना का आपको 17 तारीख होगा, बाकी जो बच रहा है 18 जनवरी को होने वाला है। ठीक है, कहाँ पर होगा तो सरकारी ITI दिया गया है मझगावा में, वहीं पर होगा दोस्तों। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म ऑफ कैसे भराएगा तो हमको आपको बता दिए, फिर से एक बार बता देते हैं फॉर्म कैसे भराएगा। ठीक है, उसके पहले आपको इसकी जानकारी बता देते हैं, यहाँ पर देखिए प्रशिक्षण आपको 1 साल का होने वाला है, बाकी इसकी जानकारी हम आगे देखिए। पहले आप अप्रेंटिसशिप इंडिया पे जा करके इसके फॉर्म के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, अप्रेंटिसशिप इंडिया पे जाइएगा और एक सेकंड यहाँ पे गूगल पे सर्च कीजिएगा अप्रेंटिसशिप इंडिया .gov.in। ठीक है,
यहाँ पे जाइएगा तो आपको यहाँ पे लॉग इन करना है। लॉग इन अगर कर रखे हैं पहले से तो ठीक है, नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। यहाँ पे अप्रेंटिस अपॉर्चुनिटी दिखाई देगा, उस पर हम क्लिक करें, ठीक है। और यहाँ पर ये जाएंगे, यहाँ पे देखिए इस्टेब्लिशमेंट नेम दिया गया है, इस पर हमको इस्टेब्लिशमेंट नेम में सर्च करना है, ठीक है। जो हमको बताया गया है वो आप यहाँ पर सर्च कीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या सर्च करना है, तो NMDC लिमिटेड यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट नेम में NMDC लिमिटेड, और इसके बाद आपको लिखना डायमंड। देखिए डायमंड आ गया, डायमंड माइनिंग, इस पर क्लिक करिएगा तो आपको देखते हैं यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पे देखिए डायमंड माइनिंग प्रोजेक्ट मंझगावा सभी दिखाई दे रहा है, सभी कई सारे ट्रेड हैं यहाँ पर। टोटल आपको देखने को मिलेगा 9 अपॉर्चुनिटी, 9 में से देख लीजिए 7, 2 9 है ना, 2 12th का 7 को जो है आईटी वालों का, उस पर देख करके यहाँ पे जो ट्रेड है यहाँ पे अप्लाई कर दें। जैसे कि मशीनिस्ट वाला है तो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, मैकेनिक डीजल वाला यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर वेल्डर वाला करेंगे, फीटर वाला करेंगे, इलेक्ट्रीशियन करेंगे, डॉटमैन है, कोपा है, मेडिकल लेबोरेटरी, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी वाला है, वो अपना देख करके फॉर्म को अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब इसको फॉर्म को अप्लाई करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे फिर ये थोड़ा रिफ्रेश हो गया, रिफ्रेश हो गया तो फिर से हम वही काम करेंगे। यहाँ पे लोग जाएंगे इस्टेब्लिशमेंट नेम पे, NMDC सर्च करेंगे, NMDC डायमंड माइनिंग, जैसे सर्च करेंगे आपको दिखा देगा NMDC लिमिटेड डायमंड माइनिंग प्रोजेक्ट दिखाई देगा, इस पर हम क्लिक करेंगे और अपना ट्रेड पे जाकर के अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अप्लाई करने के बाद आपको डैशबोर्ड पे चले जाना है, यहाँ पे लॉग इन अब हमको करना पड़ेगा। आप यहाँ पे जाइए तो आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा, वहाँ पे जो आप फॉर्म भरेंगे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और उसी का मतलब ये प्रोफाइल का, यहाँ पे आपको प्रोफाइल का प्रिंट आउट कर लेना, प्रोफाइल पे जाइएगा और प्रोफाइल को प्रिंट आउट कर लेना, ठीक है। प्रोफाइल को जब प्रिंट आउट कर लीजिए तो उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको भेजना भी ना है पोस्ट के माध्यम से, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जाइएगा तो देखिए यहाँ पे आप क्या करें, फॉर्म तो भर लें, फॉर्म भरने के बाद आपको डॉक्यूमेंट जो बता रहे हैं उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट आउट कर लीजिएगा। फिर आप उसके बाद सभी डॉक्यूमेंट जो आप बताएंगे उसको सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिक का मार्कशीट सर्टिफिकेट लीजिए, और मैट्रिक का मार्कशीट, ठीक है, और ITI का मार्कशीट सर्टिफिकेट, डिप्लोमा वाला, डिप्लोमा का 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट अपना ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर दिया गया कि मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र, और मध्य प्रदेश की क्या है, तो वैसे तो ये तो मध्य प्रदेश के मूल निवासी मात्र, यानी मध्य प्रदेश के जो कैंडिडेट है वही अप्लाई कर पाएंगे, अदर राज्य के हैं तो अभी इसको नहीं, वैसे तो कहीं दिया नहीं गया कि अदर नहीं अप्लाई कर सके हैं, लेकिन यहाँ पे मांगा गया कि मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र, यानी कि मध्य प्रदेश वाले अप्लाई कर पाएंगे, वो दे दीजिएगा। आधार कार्ड, अनुसूचित जनजाति जो OBC SC ST है वो, PWD वाले PW के, ठीक है, संलग्न करके डाक के माध्यम से भेजें। जो भी डॉक्यूमेंट बताया गया उसको 31 दिसंबर 2022 तक शाम के 5 बजे तक, अथवा उसके पहले AGM ट्रेनिंग एंड सेफ्टी लिखेगा, AGM माइनिंग ट्रेनिंग एंड सेफ्टी, NMDS डायमंड माइनिंग प्रोजेक्ट मझगावा, पोस्ट ऑफिस मझगावा, डिस्ट्रिक्ट पन्ना, मध्य प्रदेश, ठीक है। और इसमें जो पिन कोड दिया गया है 4800001, और यहाँ पे आपको भेज देना इंडिया करके, ठीक है। आपको यहाँ पे पहुँच जाना चाहिए 31 दिसंबर 2022 तक, ठीक है। इतना तक पहुँच जाता तो आपका फॉर्म कंप्लीटेड होगा, फिर आपको ये लिखित जो रिटर्न टेस्ट होगा 15 जनवरी को होगा, उसकी जानकारी आपको या तो बताई जाएगी या आपको जाना होगा। जैसे कोई अपडेट आएगा, टेलीग्राम चैनल है हमारा, टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेट कर देंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप देखिएगा तो NLCIT वेबसाइट पर जाएगा, नीचे की तरफ जहाँ पर डॉक्यूमेंट डाउनलोड करेगा यहीं पर टेलीग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इसी पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो इस पर जाकर के अपना टेलीग्राम से जुड़ जाइए ताकि जो भी अपडेट होगा आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, इस पर क्लिक करेगा तो आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले कर ले, ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी वैकेंसी हो, आपको मिलते रहे। फिलहाल कई सारे अप्रेंटिसशिप वैकेंसी मेरिट लिस्ट चैनल पर मौजूद है, उसको देख लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।